But we always miss our God, our Guru, and I really request to PM Modi ji to quickly release our Guru, so that for the sake of our country and for the sake of our world. नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है. डेरा सच्चा सौदा के रियल फैक्ट क्या हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा की असली सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों के बीच में लगातार आपको लेकर चल रहे हैं. उनसे सवाल करते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के साथ, कैसा उन्होंने माहौल देखा है, और जितना भी हेडलाइन जितनी भी खबरें उनके बारे में दिखाई गई हैं डेरा सच्चा सौदा या गुरु जी के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या इन लोगों का मानना है, ये आपको सीधी रिपोर्ट दिखाते हैं. नमस्कार मैम. जी नमस्कार. क्या नाम है मैम आपका? मैं दविंदर कंबोज. दविंदर, क्या प्रोफेशन है आपका? एक्चुअली आई हैव पास्ड एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द शास्त्री नामजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एंड मेरी पूरी स्टडीज ही वहाँ पे हुई है. स्टार्टिंग से फ्रॉम द सिक्स स्टैंडर्ड ओनली आई हैव कम्प्लीटेड ऑल माई एजुकेशन फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, एंड आई वॉज अ नेशनल प्लेयर. और ऑल दिस हैपन्स विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आर सेंट एमएस जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा, जो मेरे पहले गुरु भी रहे हैं, एंड ही टीचेज ऑल द गुड थिंग्स विच आई हैव इन माई लाइफ. जो भी आज मैं हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ. जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में हैं, या जो भी अच्छी चीज़ें इंसानियत के बारे में सिखाई वो उन्होंने बताई मुझे. आप काफ़ी सिक्स स्टैंडर्ड से वहाँ स्टडी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? वैसा एनवायरनमेंट तो मुझे, मतलब मैं जैसे नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, तो बहुत दूर दूर तक खेलने भी गए, बहुत सारे स्कूल्स हॉस्टल्स बहुत जगह रहे हैं, बट वैसा एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिला है. बहुत इतना, मतलब घर जैसा या घर से भी अच्छा, कहें सेकंड होम. दैट वाज द हॉस्टल वेयर वी वर लिविंग, एंड जो हमारे पेरेंट्स भी हमें कई बार जो चीज़ें नहीं बता सकते वो गुरुजी ने एज अ पेरेंट हमें उस टाइम भी बताई जिस टाइम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते थे. तो उस टाइम भी हम उन्हीं की शिक्षा को सामने रखते हुए, जहाँ पे भी खुद को लगता कि इस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनकी बातें, सिखाई हुई बातें, वो चीज़ें हमें मोटिवेट करती कि हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे लेना है, कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे जा सकते हैं. तो ऑल दिस हैपन थ्रू द ग्रेस ऑफ सेंट डॉक्टर एम एस जी. मैं बार बार आप गुरु जी का नाम ले रहे हो, उनके ब्लेसिंग्स बता रहे हो, ऐसा क्यों, मतलब उन्हीं को क्रेडिट क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया, बट उसके बाद जो असली माँ बाप हैं वही हैं. पेरेंट्स हमें सिखा सकते हैं, पढ़ाया, जो भी हमारा है, मतलब जो हमारे हेरिटेज है उनके बारे में बताया, बट जो हमारी लाइफ का असली मकसद है वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी ने हमें समझाया. एज अ टीचर ऑल्सो हमें स्टडीज़ में कैसे आगे जाना है, गेम्स में कैसे आगे जाना है, रूहानियत में आगे कैसे जाना है, ऑल दिस वर टॉट बाय ओनली सेंट गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा. आपने बोला प्लेयर भी हो, कौन सी गेम के प्लेयर? आई वॉज अ नेशनल प्लेयर ऑफ हैंडबॉल टीम. ओके, तो इसकी कोचिंग आपको कहाँ से मिलती थी? ओनली बाय द सेंट डॉक्टर, नो अनदर टीचर वॉज देयर, ओनली सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी ही टॉट. व्हेन वी वर डूइंग प्रैक्टिस इन आर फील्ड्स, हम लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते तो हमें आके टेक्निक्स बतानी, किस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ हमारी कमियाँ हैं, कि अपना स्टेमिना कैसे इंक्रीज करना है, कैसे अपनी प्रॉपर हर एक टेक्निक के अकॉर्डिंग गेम में कैसे परफॉर्म करना है, ये सब उन्होंने ही हमें बताया. हमने कहीं पढ़ा भी था कि वहाँ लिखा हुआ था 32 नेशनल गेम्स. यस यस, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आई हैव सीन मेनी मैचेस ही हैज़ प्लेड, बट आई हैव नेवर सीन एनी अदर कोच डूइंग लाइक दिस. कोई भी कोच होगा वो एक गेम परफॉर्म करेगा, दो करेगा, मैक्सिममली ही विल डू फोर और फाइव गेम्स, बट
मैंने खुद ही देखी हुई हैं बहुत सारी गेम्स उनको खेलते हुए, और हमसे हमने तो उनसे सभी सीखा ही सीखा है, अब तक भी सीख रहे हैं. टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल टेक ऑल द इनिशिएटिव टू द सेंट डॉक्टर एम एस जी. मैम और क्या इनिशिएटिव रहे हैं गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गुरु जी के? उन्होंने जैसे गर्ल्स को हमें मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं कि हमें खुद को कैसे इम्प्रूव करना है. कई बार हम मतलब ये मैंने खुद देखा हुआ है कि पेरेंट्स कॉमनली इस चीज़ को नहीं लेते हैं, बट उन्होंने ही हमें सिखाया कि पेरेंट्स को कैसे इक्वली ट्रीट करना चाहिए. बॉयज़ एंड गर्ल्स फिजिकली भी फिट करना है उनको, और पूरा लाइफ में फैमिली में भी उनको इक्वल सपोर्ट देनी है. अब ऐसा है कि अभी वो टाइम नहीं है कि द फैमिली विल रन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बॉयज़. द गर्ल्स कैन ऑल्सो रन द फैमिली, वो भी अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकती हैं. वो भी अपने पेरेंट्स के लिए अभी सिर्फ बेटे से नहीं बेटी से भी नाम रोशन होगा. ये चीज़ें सिखाई तो सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान है. उन्होंने ही सारा भेदभाव मिटाया. कोई हम लोग जैसे पढ़ रहे थे जिस टाइम स्टडीज़ की हैं उस टाइम से लेकर अब तक, जो भी चाहे किसी भी जात धर्म का है कोई भी इंसान है, तो हम लोग इकट्ठे खेलते थे इकट्ठे पढ़ते थे. अगर अगर वो हमारी लाइफ में ना होते तो शायद ये हम कभी ना कर पाते. तो क्योंकि ये एक एक समाज को जैसे देखते हैं ना कि इस धर्म का है इस जात का है, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते खा पी नहीं सकते हैं. तो बट ये सब चीज़ें, ये जो एक मेंटालिटी में सुधार हुआ है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है. गुरुजी ने कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन किया? कंट्री के लिए तो ये जो सबसे पहले क्लीनलीनेस कैंप जो लगाए गए हैं वो सिर्फ उन्हीं की सपोर्ट से ही हुए हैं. उन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट किया था. धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने, आज देख लीजिए फॉरेन कंट्रीज़ किसी में भी देख लो तो आज भी चल रहे हैं. इवन ही हैज़ बीन टेकन इन टू द जेल क्योंकि वो प्रूव नहीं हुआ. मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही गलत घटिया सोच वाले लोगों की हरकतें हैं ऐसी, या जो ड्रग माफिया वाले लोग कह लो उनकी वजह से ये सब हो रहा है. क्योंकि उनको पता है कि हमारे नशे बंद हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो क्यों ना इनको हटाया जाए हमारे रास्ते से. तो ये सब जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं देश में, सफाई अभियान ले लो या जितने भी नशे लोगों ने छोड़े, 6 करोड़ लोग आज नशा छोड़ चुके हैं, तो ये सब अच्छे जितने भी भलाई के काम हो रहे हैं सब उन्हीं की हेल्प से हो रहे हैं. अभी तक उनके फॉलोअर्स वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमेशा आगे करते रहेंगे. बट वी ऑलवेज मिस आवर गॉड आवर गुरु एंड वी आई रियली रिक्वेस्ट टू पीएम मोदी जी टू क्विकली रिलीज आवर गुरु सो दैट फॉर द सेक ऑफ आवर आर कंट्री एंड फॉर द सेक ऑफ आर वर्ल्ड. बिकॉज जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही हैं उनको ओनली वो ही हैंडल कर सकते हैं, कोई नन अदर कैन डू दैट. आपको इतना मैम फेथ है उनके ऊपर, लेकिन एक तरफ आपका फेथ है, एक तरफ उनका कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरी तरफ उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका सर? मैं आरोप को मतलब मैं नहीं समझती कि ये आरोप सही होना चाहिए. क्योंकि हम अगर कोई भी आजकल अभी प्रेजेंट में ही एक हुआ है हाथरस कांड हुआ, मतलब जो विक्टिम है उसका फेस भी हमें दिख रहा है और जो जो आरोपी हैं उनका भी दिख रहा है. हमें ये भी पता है कि कौन इस चीज़ का शिकार हुआ, किसने ये किया. बट यहाँ तो आज तक इतने टाइम पहले एक चिट्ठी लिखी गई जिस पे कोई आज तक जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सामने तो आई ना जिसने ये किया. किसी की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं की गई है, कुछ नहीं हुआ है ऐसे, और बिना किसी प्रूफ के सॉलिड. क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम पहले सबसे पहले क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, या फिर अगर इन नीड नार्को टेस्ट किया जाता है. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, आप कम से कम उसको सामने तो लगे ना, जिसने ये ब्लेम लगाया कम से कम वो सामने आए, वो हमें ये बताए, हमें अपना चेहरा दिखाए, हमें भी पता चले ना. क्योंकि मैंने खुद अपने छोटी सी थी जब मैं वहाँ रह रही हूँ, तो ऐसी कौन सी लड़की है जो जिसके साथ अगर कितना कुछ हो जाएगा और वो ऐसे कैसे उसके पेरेंट्स कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं. कम से कम सामने तो आना चाहिए ना. मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है. वहीं हॉस्टल में मैं रही हूँ, वहीं पढ़ी हूँ, और
इतना हम लोग अपने हो सकता है घर पे गली मोहल्ले में सिक्योर नहीं फील करते होंगे जितना हमने वहाँ फील किया, वहाँ रहे हैं, वो सेकंड होम है हमारे लिए। वहाँ रहकर मतलब घर की याद भूली जाती है क्योंकि इतनी अच्छी वहाँ चीज़ें हैं, वैसा तो माहौल कहीं नहीं मिल सकता। और वो कभी गलत सिखा ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आज उन पे ब्लेम लग रहे हैं वो कभी सच हुआ। हाँ, ये जो ड्रग माफिया है या जिस जैसे नशे के बारे में इतने लोगों ने नशा छोड़ा है, इतना कुछ हुआ है, तो ये सब उन्हीं लोगों का हाथ है, इसमें हमारे गुरुजी का कोई दोष नहीं है। वो बिल्कुल हमारे लिए, दुनिया चाहे जो भी कहे, वो हमारे लिए बिल्कुल पाक पवित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बींग गर्ल आपको नेचर कैसा लगता है गुरुजी का? बींग अ गर्ल ही इज़ माय फादर, मतलब मेरे पापा ने मुझे बर्थ दिया, वो मेरे मतलब वो जन्मदाता थे मेरे, बट जिसने जीने की असली राह दिखाई ही वॉज ओनली सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह जी। क्योंकि हमारा ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है, हमें कैसे लाइफ छीनी है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो प्लस चीज़ें हैं माइनस चीज़ें हैं वो सभी लाइफ में कैसे उन चीज़ों को लेके आगे हमें इम्प्रूवमेंट अपने आप में लानी है, जो भी हमने लाइफ में अचीव करना है वो सब हमें उन्होंने सिखाई है। मैम फिर गुरु जी के ऊपर ही क्यों, मतलब इन्हीं के ऊपर एलिगेशन क्यों? मैम आप खुद बताओ, इतनी उन्होंने बुराइयाँ छुड़वा रहे हैं, लोगों का नशा छुड़वा दिया, कन्या भ्रूण हत्या, लोग अभी कोई दुनिया में ऐसा बहुत होता है, आजकल भी चाहे लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी छोटी छोटी बच्चियों का, अभी एक न्यूज़ में अभी 3-4 दिन पहले आ रहा था कि नाले में किसी ने फेंक दिया, एक आ रहा था बैग में डाल के किसी ने फेंक दिया, जस्ट 2 डेज़ बिफोर आई हैव सीन दिस, तो बैग में छोटी सी बच्ची, हाँ उसको फेंक दिया। तो इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। गुरुजी ने खुद 23 लड़कियाँ उठाई, कई से रिक्वेस्ट करके उनको अपनी बेटी बनाया, नहीं उनको इतने इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया, उनके फुली एसी रूम्स हैं, वो आज इस लेवल पे पहुँच चुकी हैं। अगर वो उनकी लाइफ ना सेव की जाती तो वो लड़कियाँ तो ऐसा ख़त्म हो चुकी होती थी। बट इस टाइम पर क्या है, वर्ल्ड लेवल पर नेशनल लेवल पर वो देश का नाम, गुरुजी का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही है। तो इतनी लड़कियों को मुझे तो नहीं लगता किसी ने आज तक एक भी सेव की होगी, क्योंकि आजकल की मेंटालिटी क्या है कि अगर किसी की बेटी है तो 2 होगी 3 होगी, क्योंकि ये लोगों की सोच होती है, तो वो साइलेंटली जाके दे विल अबॉर्ट इट। बट गुरुजी ने खुद कहा है कि हमें जिसको भी है कि मैं अपनी बेटी को पाल नहीं सकता हूँ, डायरेक्टली आके हमें कहे, हम हाथ जोड़ के उनसे लेते हैं, हम खुद लेंगे, हम उनकी परवरिश करेंगे। और किसी, मुझे नहीं लगता कि इसी, ये सब चीज़ें हैं इन्हीं की वजह से ही गुरुजी पे, हाँ कि इन्होंने तो इतना देश को सुधार दिया है, तो फिर जो इतने अच्छे काम करेगा बिना कुछ लिए तो फिर दुनिया तो उसके अगेंस्ट जाएगी ना। मैम चैनल्स पे भी बहुत काफ़ी कुछ दिखाया गया था, बहुत हेडलाइंस बनाई गई थी, उसके बारे में क्या? वो तो सब फेक है जी, वो तो अभी किसी भी न्यूज़ चैनल पर चले जाओ आप, तो जितने आप दोगे उनको मतलब उतने दिन आपकी चलती रहेगी न्यूज़। ये तो आजकल पैसे का लेन देन चल रहा है जी, उसी की वजह से ये सब हो रहा है, बाकी इसमें कुछ भी वो नहीं है कि कुछ भी 1% की भी रियलिटी नहीं है कि ऐसा गुरुजी कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। पब्लिक को क्या आप अपनी तरफ से अवेयरनेस या अपील करोगे, क्योंकि जितना भी पब्लिक है उन्होंने डेरे के बारे में या गुरुजी के बारे में मीडिया के द्वारा ही जाना है। मैं तो जो लोग ये बात सोचते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, या जो लोगों की ये सोच है कि गुरुजी गलत हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार आप आएँ यहाँ आके देखें, सब कुछ देखें, फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए जवाब मैं आपको दूँगी। मैं अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे, कहीं पे भी कुछ, क्योंकि जब तक हमने देखा नहीं है, तो वो वाली बात है ना, छोटी सी बात है उस बात का कुछ और बना के दुनिया पेश करती है, तो रियलिटी होती नहीं है, उस बात को कुछ ना कुछ और बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोला जाता है। तो क्योंकि जब हमने खुद बचपन से यहाँ तक अब तक देखा है, तो वहाँ जब कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम अपनी आँखों के पर्दे खोलो, यहाँ आओ, सच्चाई को देखो, ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ क्या असलियत है, और जो दुनिया आपको बता रही है वो सब झूठ है, और गुरुजी बिल्कुल पाक साफ हैं और वो दुनिया को सुधार सकते हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम, तो उसको वही हैंडल कर सकते हैं, कोई और नहीं हैंडल कर सकता। सरकार से क्या अपील करेंगे?
गुरुजी के लिए? मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को छोड़ा जाए. आई रिक्वेस्ट पीएम मोदी जी दैट प्लीज़ रिलीज आर गुरु फॉर द सेक ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड एज वेल एज फॉर इंडिया. क्या मैम आज के समय में कंट्री को नीड है गुरु जी की? कंट्री को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम. अगर किसी भी सेक्टर में देखा जाए, इवन द क्लीनलीनेस कैंप है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं. हमें जो पुरानी से पुरानी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे मेडिसिन सेक्टर है, क्योंकि गुरुजी एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ भी इनोवेट की हैं, री इन्वेंट किया है, उनको मॉडिफाई करके बनाया तो फ्यूल लेस उन्होंने बनाई हैं जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, और बायोगैस प्लांट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं और वो हर एक इंसान के लिए बेनिफिशियल हैं, फॉर द विलेज पर्सन्स ऑल्सो एंड फॉर द टाउन्स ऑल्सो. तो वो सभी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हैं. हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है बिना एनवायरनमेंट को बचा के. पानी को बचाने के लिए उन्होंने संदेश दिया है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्होंने संदेश दिया है, और ये बताया है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिना कोई हार्म पहुँचाए हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं. ये गुरु जी ने तरीके हमें बहुत सारे बताए हैं. इवन फॉर द एग्रीकल्चर ऑल्सो ही टॉट द ड्रिप सिस्टम विच वॉज प्रूव्ड ऑन द इंटरनेशनल लेवल बिकॉज whosoever is in the agriculture field he will know that the drip system is now being selected for at the international level to improve the agriculture. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों में भी मददगार हो सकती हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत सारी मदद कर सकती हैं. तो गुरुजी का तो पूरी दुनिया को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है. अगर आज गुरुजी ने 6 करोड़ लोगों को सुधारा है तो अब ये 6 करोड़ लोग आगे से आगे सबको एनकरेज कर रहे हैं कि आपको बुराइयाँ नहीं करनी है, आपको ये आपके लिए बुरी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको राइट पाथ पर चलते हुए अच्छे काम कैसे करने हैं. तो ये सब गुरुजी ने ही बताया है. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. दोस्तों हमारे साथ थे इंटरनेशनल प्लेयर और एक टीचर हैं, नेशनल प्लेयर और एक टीचर हैं जो, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से गुरुजी ने हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन किया है और जितने भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं. आज ये लोग अपील कर रहे हैं, पीएम मोदी जी से भी अपील कर रहे हैं कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिलीज़ कर देना चाहिए. उनकी सोसाइटी को, कंट्री को बहुत सख्त ज़रूरत है. आप लोग खुले दिमाग से सोचिए कि लगातार आखिर क्यों बेटियां, करोड़ों लोग, हजारों की वीडियो आपको दिखा चुके हैं, हजारों लोग आपके सामने वीडियो के द्वारा बोल चुके हैं कि गुरुजी एक सच्चे समाज सुधारक हैं, उनकी समाज को सख्त ज़रूरत है. ड्रग माफिया या और जो समाज विरोधी ताकतें हैं उन्होंने ही उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं. इतने लोग लगातार आपके सामने आकर बोल रहे हैं. आप लोग खुले दिमाग से सोचो आखिर सच्चाई क्या है, आखिर क्यों ये लोग, करोड़ों लोग आज भी उनके साथ हैं, आखिर क्यों इतने लोग आजकल बेटियां मांग कर रही हैं कि हमारे गुरु को जल्द वापस भेज देना चाहिए. खुले दिमाग से सोच के अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में. देखते रहिए द फैक्ट टाइम. धन्यवाद.